नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गंगा भारती पे आपका स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, चेंजर फिटिंग और थ्री फेस स्टार्टर का कनेक्शन। देखिए दोस्तों, चेंजर है पेंडलो का, सिंगल फेस स्टार्टर फ्यूज बिठा दिए थ्री फेस के लिए, थ्री फेस स्टार्टर मोटर का और ऑटो स्विच। मैंने एक बॉक्स में इसका फिटिंग किया है, यहाँ एक फ्यूज बिठाना बाकी है। इस तरह से फिटिंग कर दिया हूँ। चलो आपको मैं ऑटो स्विच का कनेक्शन बताता हूँ। देखिए, मैंने फ्यूज से स्टार्टर के लिए 2.5 का वायर यूज किया है, पॉलीकैप का। देखिए, एक फेस में लाल, एक में पीला और एक में काला, ये ऑटो स्विच है। ऑटो स्विच के तीन वायर है, इसके साथ तीनों फेस में तीन डालने के, लाल में लाल, पीले में पीला और नीले नीले के जगह मैंने काला यूज किया, यहाँ काला। और दो और चार वायर है इसका ऑटो का, दो काला है और दो ग्रे, दो ब्लैक। जो देखिए, जो ग्रे वायर है वो रिले के 93 और 94 पॉइंट पे आप कनेक्शन कर सकते हो उसका, यहाँ पर। और जो ब्लैक है वो कॉइल से एक 96 में आता है रिले के, यहाँ पर मैंने यहाँ का लूप निकाल दिया हो, और जहाँ से लूप निकालेंगे यहीं कनेक्शन करने का, एक कॉइल पे और एक 96 नंबर रिले पे पास। और ये ऑटो स्विच आप कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, यहाँ से जाए चेंज ओवर में, इस तरह आपके सामने कनेक्शन करता हूँ मैं। वायर थोड़ा बड़ा रखने का दोस्तों, देखिए सिंगल फेस स्टार्टर भी है। ये जनरेटर और MSCB लाइट के लिए यूज किया जाएगा, इसके लिए एकदम आसान होता है, आपको वायर यहाँ से वहाँ घुमाने का ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ चेंज वेयर कर दीजिए, आप लाइट चेंज कर सकते हैं, जनरेटर पर चलाना है या लाइट पर चलाना है, इस तरह से। एक एक स्टार्टर का कनेक्शन करके लेता हूँ मैं, एक एक फेस निकाल कनेक्शन करके वायर का। दोस्तों, वायर थोड़ा बड़ा रखने का, कभी कभी की बार कुछ लूज कांटेक्ट की वजह से जल जाता है, तो दिक्कत ना हो बदली करने का। मैं इस तरह से कॉइल करता हूँ बड़ा होने के बाद वायर, इससे अच्छा भी दिखता है दोस्तों। बड़ा तो रखो ही रखो, लेकिन इस तरह कीजिए, थोड़ा अच्छा दिखता है। इस तरह से एक एक करके मैं तीनों फेस स्टार्टर की कनेक्शन कर देता हूँ। चेंज ओवर के आउटपुट पॉइंट में इसमें एक एक फेस लगा देने का, इस तरह से। देखिए, दूसरा भी उसके बाजू में, दूसरे पॉइंट में, फोर पोल चेंज हो रहे, तीन फेस और एक न्यूट्रल। देखिए, और इसके बाजू में के पॉइंट में आएगा एक जनरेटर का केबल, देखिए ये जनरेटर का केबल है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, इसको इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
जो नए लग गए उनके लिए आप शेयर भी कीजिए वीडियो को, और जिनको ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए। इस तरह जनरेटर का कनेक्शन अभी हो जाएगा, एक फेस लगाना बाकी, एक वायर। इसी तरह से ये पॉइंट के नीचे ही सेम आप MSCB का कनेक्शन करेंगे। आज अभी लाइट गया है, इसके लिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है अभी। दोस्तों फुल टाइट कर देने का, उसको एल्युमिनियम का केबल रहेगा तो देखिए इस तरह ये जनरेटर का कनेक्शन हो गया है। अभी नीचे से आएगा MSCB का, जो लाल पीला और काला दिख रहा है उसके बाजू में पॉइंट में लगा सकते हैं आप। आपको दिखाता हूँ, लाइट चला गया है इसके लिए। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है ना, ये MSCB का कनेक्शन है। ये पाइप से लेके आया मैं, ये वाला यहाँ से। दोस्तों अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन भी दबाओ साथ साथ। देखिए सप्लाई डाल दिया हूँ मैं, आपको चेंज और करके दिखाता हूँ किस तरह से। ऊपर है जनरेटर, नीचे है MSCB। दोस्तों जो नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।